मैं एज रक्षा विशेषज्ञ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऑपरेशंस को चलाने के लिए कैडर का मनोबल का ऊंचा होना बड़ा जरूरी है। जी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके सबके मनोबल गिरे हुए हैं। पहले वो सोचते थे कि भारतवर्ष ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे कि पाकिस्तान के अंदर घुस के जैसे हमने मारा इनको 70 के करीब टेररिस्ट को और उनके कैंपों को नित्य नेस्त नाबूद किया है, तो उनको ये ऐसी आशा नहीं थी। वो निश्चिंत हुए बैठे थे कि कभी भी भारतवर्ष जो है सीमा पार नहीं करेगा। इसके कारण उनका बहुत ज्यादा मनोबल गिरा है। अब उस उनके जो सरगना है उन्होंने उसके मनोबल को ऊंचा करने के लिए उनको ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो हमारे साथ चीन भी आ गया है, खुले तौर पर हमारे साथ। हाँ, हमारे तौर पर हमारे साथ खुले तौर पर चीन भी साथ रहा है, इसलिए झंडे प्लांट किए गए हैं। इसको इस वक्त हमें गंभीरता से नहीं, और चीन की हिस्ट्री है इस तरह की, चीन कभी इस तरह के कार्य नहीं करता है। वो करेगा तो खुल के करेगा, अनिता नेता वो चुप रहेगा। इस वक्त वो एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, वो कभी ऐसी उल्टी हरकत नहीं करेगा।